आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप भी एंड्रॉयड का मोबाइल यूज़ करते हैं और गाइस आपके एंड्रॉयड के मोबाइल में जो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर गाइस आपके मोबाइल पर कोई भी पीडीएफ फाइल आ जाती है व्हाट्सएप के थ्रू और गाइस आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है और गाइस आप उन सेव हुई पीडीएफ फाइल्स को यदि गाइस आप देखना चाहते हैं तो गाइस आप उन्हें कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना जिससे ये आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रहेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि गाइस आपको अपने मोबाइल में अपने मोबाइल की जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। तो गाइस मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहां पर देखिए गाइस ऊपर की साइड आपको सभी तरह की जो सेटिंग्स है वो यहां पर शो करेगी। तो इनमें से गाइस आपको यहां पर एक ऑप्शन शो करेगा डॉक्यूमेंट्स का। तो गाइस आपको यहां पर इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर गाइस आपकी जो सभी जो पीडीएफ फाइल्स है वो यहां पर सेव होती है। तो यहां पर गाइस जो डॉक्यूमेंट्स वाला यहां पर जो सेटिंग है उसी में गाइस आपकी जो सभी जो फाइल्स है वो यहां पर सेव होती है। यहां पर गाइस सभी जो फाइल्स है वो यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा आप पीडीएफ फाइल को अलग से ढूंढना चाहते हो पीडीएफ का अलग से ऑप्शन भी शो करता है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जो आपकी पीडीएफ फाइल्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस यहाँ से गाइस सभी जो पीडीएफ फाइल्स हैं उन्हें गाइस आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस दी गाइस आप भी अपने एंड्रॉइड के मोबाइल में पीडीएफ सेव हुई पीडीएफ फाइल को वॉच करना चाहते हैं तो गाइस कुछ स्टेप से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चला हो और वीडियो चला हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।